Hello students. In this session, I am going to discuss about kinds of sentence. Well, there are five kinds of sentence: assertive sentence, the another name is statement and declarative; interrogative sentence; imperative sentence; optative sentence; and exclamatory sentence. Further, I shall discuss about each kinds one by one. नंबर वन एसरेटिव सेंटेंस दो सेंटेंस विच मेक अ स्टेटमेंट और डिक्लेयर समथिंग आर कॉल्ड एसरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो स्टेटमेंट या किसी चीज़ को डिक्लेयर करती है उसे एसरेटिव सेंटेंस कहते हैं एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे सी हैज़ डन हर एमबीए फ्रॉम कोलकाता वह एमबीए कर चुकी है कोलकाता से सोनू निगम इज़ वन ऑफ द टैलेंटेड सिंगर इन बॉलीवुड सोनू निगम बॉलीवुड के एक टैलेंटेड सिंगर है तो ये दोनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है किसी का कथन है ओके सो एसेटि सेंटेंस बेसिकली स्टेटमेंट होता है कथन होता है और कोई फैक्ट्स होता है टाइप ऑफ assertive सेंटेंस Assertive सेंटेंस के टू टाइप्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सी डांस ऑन द स्टेज वह स्टेज पर डांस करती है ही हेल्प्स द ऑल लेडी वह ऑल लेडी को मदद कर मदद करता है द पुलिस इन्वेस्टिगेट द केस पुलिस केस को छानबीन करता है इन्वेस्टिगेट करता है आगे नेगेटिव क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे सी डज नॉट डांस ऑन द स्टेज वह स्टेज पर डांस नहीं करता है कबीर इज नॉट लिविंग इन पटना दिस डेज कबीर इन दिनों पटना में नहीं रह रहा है ठीक है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है नॉट यूज़ होता है आगे दे नेवर कम इन टाइम आई हार्डली गो दियर लेकिन कुछ नेगेटिव वर्ड ऐसे हैं जिनका यूज़ से सेंटेंस अपने आप नेगेटिव बन जाता है और नॉट का यूज़ नहीं होता है जैसे कि नेबर हार्डली ऐसे ही कुछ वर्ड हैं सेल्डम ओके दे नेबर कम इन टाइम इसका मतलब यह है वह कभी भी समय पर नहीं आता है ये एक नेगेटिव वर्ड है नेगेटिव सेंटेंस है नेबर एक नेगेटिव वर्ड है और ये पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है आई हार्डली गोदियर मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाता ओके okay. आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैन वी नीड टू आस्क सम क्वेश्चन वी यूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओके जब हमें किसी से कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता होती है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं इट एंड्स विद अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेशन मार्क्स से समाप्त होता है कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे वुड यू लाइक टू विजिट दलमा फॉरेस्ट हैव यू एवर इटन पिज्ज़ा डज सी सिंग अ सॉन्ग डिड ही प्ले प्ले गिटार ये सब एक इंटोगेटिव क्वेश्चन है जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं यू लाइक टू विजिट डलमा फॉरेस्ट क्या आप डलमा फॉरेस्ट जाना चाहेंगे हैव यू एवर इटन पिज्जा क्या आपने कभी पिज्जा खाया है ड सी सिंग अ सॉन्ग क्या वो गाना गाती है डिड ही प्ले गिटार क्या वो गिटार बजाया तो ये हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन राइज करते हैं तब इंटोगेटिव सेंटेंस का यूज होता है टाइप ऑफ इंटोगेटिव सेंटेंस इंटोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं यश नो क्वेश्चन एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन यश नो क्वेश्चन यश नो क्वेश्चन को इस टाइप्स को समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर को देखेंगे ऑग्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स ओके okay. इसमें क्या होता है जो ऑक्जुलरी वर्ब होते हैं ऑगजुलरी वर्ब का पहले यूज़ करके सेंटेंस बनाया जाता है ओके सो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्वेंटी फोर ऑग्जुलरी वर्ब हैं इज एम आर वाज वॉर वै हैज़ हैड डू डज डीड सेल विल would, can, could, may, might, must, ought to, used to, need or dare. Okay, so total 24 auxiliary verb होते हैं. Auxiliary verb को पहले use करके sentence बनाया जाता है और इसको हम लोग yes no question types करते हैं. Does he smoke? क्या वो smoke करता है? Yes. इसका answer आएगा yes या yeah, no. Do यू रीड एनी न्यूज पेपर क्या तुम न्यूज पेपर पढ़ते हो इसका आंसर आएगा यस yes या नो सो ऑग्जुलरी वर्ब को पहले यूज करके सेंटेंस बनाया जाता है और ये यस नो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन इन रूट देयर आर नाइन बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स ओके तो क्वेश्चन वर्ड्स कितने होते हैं नाइन होते हैं हुट विच वेर वैन वाई एंड हाउ इसका भी एक स्ट्रैक्चर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स पहले क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करेंगे देन ऑफ्टर वर्ब का यूज़ करेंगे दैन ऑफ्टर अदर वर्ड का यूज करेंगे, करेंगे ये स्ट्रैक्चर को ध्यान से देखिए एग्जाम्पल हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ मोशन को खोज किसने किया है ओके okay? सो हु डिस्कवर द लॉ ऑफ मोशन हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न सो इसमें क्या होता है सब्जेक्ट की जानकारी मिलती है इस स्ट्रैक्चर से क्वेश्चन वर्ड्स प्लस भव प्लस अदर वर्ड्स इस्ट्रैक्चर को ध्यान से देखिए और इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे और इससे क्या होता है सब्जेक्ट की जानकारी मिलती है एक दूसरा स्ट्रैक्चर देखेंगे डब्ल्यू एच का इसमें क्या होता है क्वेश्चन वर्ड्स होती है दन आप्टर

तुम क्या खाए आपने क्या खाया तो फूड खाएं ठीक है जैसे कि मान लो मैंने भोजन किया ठीक है आई आई एट फूड ओके तो फूड इसमें क्या है फूड ऑब्जेक्ट है तो इसमें ऑब्जेक्ट की जानकारी मिलती है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रेटिव सेंटेंस के बारे में वैन वी नीड टू एक्सप्रेस सम कमांड रिक्वेस्ट एंड एडवाइस वी यूज़ इम्परेटिव सेंटेंस जब हमें कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस एडवाइज ओके ये सब एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है ठीक है तब हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे हेल्प द पुअर गरीबों का मदद करो ठीक है हम किसी को कह रहे हैं हेल्प द पुअर ये क्या कर रहे हैं हम इसको एडवाइस दे रहे हैं किसी को सलाह दे रहे हैं प्लीज़ ओपन द डोर क्विकली ओके जल्दी से दरवाज़ा खोलो ये हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी ये हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं मेरे लिए ग्लास एक ग्लास पानी लाइए ठीक है थीके? तो जब कमांड का रिक्वेस्ट का एडवाइस का ओके okay? एडवाइस का आ, ये सब एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है आवश्यकता होती है तब हम इम्प्रेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं नेक्स्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस वैन वी नीड टू एक्सप्रेस अ वीस प्रेयर कर्स टू समन वी यूज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस जब हम किसी के प्रति दुआ करते हैं शुभकामना करते हैं या किसी को बद दुआ देते हैं ठीक है तो ये सब जो फीलिंग्स हम एक्सप्रेस करते हैं किसी के प्रति तब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं एग्जाम्पल मे यू बी सक्सेसफुल तुम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सफलता तुम्हें प्राप्त हो मे यू लिव लॉन्ग तुम्हारी लंबी आयु हो ठीक है मे दैट बिल्डिंग कॉलेप्स ये क्या कर रहे हैं हम किसी को कर्ज कर रहे हैं किसी को बदवा दे रहे हैं मैं बदुआ कर रहा हूँ कि ये बिल्डिंग नष्ट हो जाए विश यू हैप्पी न्यू ईयर ये हम किसी को विश कर रहे हैं नए साल की शुभकामना आपको ठीक है तो जब हम लोग किसी को किसी को दुआ करते हैं किसी को शुभकामना करते हैं किसी को बदुआ देते हैं तब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं और इसके आ, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स का भी यूज़ होता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं मै का यूज़ इंटोगेटिव सेंटेंस के लिए भी होती है और ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए भी होती है एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको इंटोगेटिव सेंटेंस में मैं आई यूज़ योर पेन क्या मैं आपका पेन का यूज़ कर सकता हूँ तो मे का यूज़ इंटोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है और ऑप्टेटिव में ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी की जाती है नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस

ओके okay. मिस गुस्सा रिग्रेट रिग्रेट पछतावा कंटेम्ड घृणा हैट्रेड, दुश्मनी ये सब का भाव जब हम व्यक्त करते हैं तब हम एस्कल्टी सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर हैं ये इस टाइप्स के बनते हैं एस्कमेटी सेंटेंस हाउ प्लस एडजेक्टिव हाउ प्लस एडजेक्टिव या वर्ड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन ठीक है एक्सलमेटिव सेंटेंस जनरली क्या होता है पहले हाउ का इस्तेमाल होता है फिर एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है या वर्ड का इस्तेमाल होता है प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है प्लस नाउन का इस्तेमाल होता है जनरली ये इस स्ट्रक्चर से ही ये फॉर्मेशन होता है एग्जाम्पल देखते हैं वाट ए बॉय ठीक है ये एक सरप्राइज है वाट अ बॉय क्या लड़का है वो जॉय खुशी को व्यक्त करेंगे हाउ ब्यूटिफुल कितना खूबसूरत है वाट अ डैसिंग पर्सनलिटी ये भी जॉय या सरप्राइज को ही इंडिकेट करता है वाट अ डैसिंग पर्सनलिटी हाउ डेयर यू आप आप में इतना साहस ये एंगर को दिखाता है तो सेंटेंस में जनरली क्या होता है आ, सोरो को सरप्राइज को जॉय एंगर रिग्रेट कंटेम्प्ट कंटेम्प्टेड ठीक है ये सब भाव को व्यक्त करता है ठीक है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज होता है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट